नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक यूनिवर्सल एंड्रॉयड बोर्ड है। बोर्ड का पार्ट नंबर देख लीजिए, CB338H-A42 A42 A40 सेमी होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो दोस्तों, इस बोर्ड का एक कैसे वर्क करेगा, इसका एक इम्पॉर्टेंट फॉल्ट मैं आपको बताऊंगा, जो फॉल्ट देख कर ज़्यादातर 90% टेक्नीशियन सोचेंगे मेरा EMMC खराब है। लेकिन इसका EMMC का प्रॉब्लम नहीं होगा तो फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा। पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, ये बोर्ड कैसे, कहाँ से वोल्टेज कैसे स्टार्टअप होता है वो पहले देखो, उसका बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। वो वाईफाई नेटवर्क काम नहीं करेगा, सब चलेगा लेकिन नेटवर्क काम नहीं करेगा, आप क्या करेंगे। तो आप सबसे पहले ये सब EMMC रीड राइट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो करने का ज़रूरत नहीं है। मैं भी बहुत ऐसा काम किया है, वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा। तो चलिए, अभी सेट स्टैंड बाई कंडीशन में है। यह पर देखिए, आप देखते रहिए, ये हमारा, सॉरी मीटर को चेंज करना पड़ेगा, ये हमारा 12 वोल्ट यहाँ पर है। और ये तो बैकलाइट ड्राइवर के लिए जो सप्लाई है 25 वोल्ट, यहाँ पर जाएंगे यहाँ से बैकलाइट ऑन होगा, वो बाद में आऊँगा। सबसे पहले देखिए 12 वोल्ट कहाँ पर जाता है, ये 12 वोल्ट यहाँ पर आएंगे, ये एक फ्यूज से साउंड सप्लाई में चला जाएगा। उसका बाद यहाँ पर एक 6 पिन का IC है, वहाँ पर इनपुट होगा, वहाँ से कॉयल है, वहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट होगा, ठीक है। ये 5 वोल्ट यहाँ पर है, देखिए ये 5 वोल्ट यहाँ पर इनपुट होगा, यहाँ पर इनपुट होने का बाद यहाँ से 3.3 वोल्ट आउटपुट होगा। ये 3.3 वोल्ट 5000 में सप्लाई चला जाएगा। तो और 5 वोल्ट कहाँ पर इनपुट होगा, देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट होगा, इस कॉइल का माध्यम से 1.5 वोल्ट आउटपुट होगा, ठीक है। ये इसका पार्ट चला गया। तो उसका बाद देखिए, ये जो कॉइल है यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट इनपुट है, इस कॉइल से देखिए कितना वोल्टेज है, 1.368, इसको याद रखिए। इस कॉइल में हम 1.368 वोल्टेज मिला था, इसको इस पॉइंट में ही आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा स्टार्टअप जो सप्लाई होता है स्टैंड बाई कंडीशन में। अभी जो है स्टैंड बाई कंडीशन, यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज नहीं रहेगा। स्टैंड बाई कंडीशन में कहाँ पर कहाँ वोल्टेज है आप देख लिया, लेकिन मैं स्टैंड बाई रिलीज करूँगा उसका बाद क्या वोल्टेज होता है आप देख लीजिए। मैं इसको स्टैंड बाई रिलीज करूँगा, देखिए स्टैंड बाई रिलीज करूँगा तो आपको देखिए पैनल VCC में मैं दिखाऊँगा, मीटर में देखते रहिए। मैं स्टैंड बाई रिलीज कर रहा हूँ, स्टैंड बाई रिलीज हो गया, देखिए 12 वोल्ट आया है ना दोस्तों, 12 वोल्ट आया है, 12 वोल्ट आया है। इसका साथ साथ देखिए, ये जो कॉइल में आप पहले 1.368 देखा था, यहाँ पर कितना वोल्टेज आ गया, देखिए 3.3 वोल्ट चेंजेस हो गया ना दोस्तों। तो ये वोल्टेज कहाँ पर जाएंगे, इसका काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उसका पहले आप देख लीजिए, ये 3.3 वोल्ट होगा, इस कॉइल में उस टाइम कुछ वोल्टेज नहीं था, यहाँ पर 1.1 वोल्ट हो रहा है, यहाँ पर भी 5 वोल्ट इनपुट होगा, देखिए सॉरी 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट इनपुट होगा। और इस कॉइल में देखिए, इस कॉइल में वोल्टेज नहीं था, इस कॉइल में देखिए 1 वोल्ट आया है। ये यहाँ पर एंड्रॉयड सेट में मल्टीपल LDO वोल्टेज रहता है, इस कॉइल में 1 वोल्ट होता है, देखिए 1.1, 12 वोल्ट इनपुट होगा, और इस कॉइल में भी 12 वोल्ट इनपुट होगा, यहाँ से भी 1 वोल्ट आउटपुट होगा। ये IC का सप्लाई है, ठीक है। ये दोनों 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट और ये 12 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, ये पैनल VCC से, आप 100% कन्फर्म हो सकते हैं। मैं जो शेयर करता हूँ वो कभी मिसगाइड किसी को मैं नहीं करता हूँ, ये मेरा थिंकिंग है, मैं नहीं, जो नॉलेज मेरा नहीं है वो नॉलेज मैं नहीं शेयर करूँगा, ठीक है। आप देख सकता है इसका जो पैनल VCC कहाँ से आता है, यहाँ से, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक बाजार में आपको साउंड मिलेगा, लास्ट में दिखाऊंगा आपको ज़्यादा विश्वास करने के लिए। तो ये हो गया हमारा स्टार्टअप सीक्वेंस।
उसका बाद देखिए जो मैं बोल रहा था पहले बोला था जो वाईफाई मॉड्यूल काम नहीं करता है, नेटवर्क काम नहीं करेगा, यूएसबी चलेगा, ए भी मूड चलेगा, एचडीएमआई चलेगा, सब कुछ चलेगा लेकिन नेटवर्क काम नहीं करेगा। तो एक्चुअल होता है क्या, देखिए दोस्तों ये जो 3.3 वोल्ट है ना, ये 3.3 वोल्ट यहां पर जाएंगे, देखिए सॉरी ये ट्यूनर सप्लाई है ना, ट्यूनर सप्लाई में जाएंगे ट्यूनर काम करने के लिए, और इसी 3.3 वोल्ट यहां पर भी जाएंगे, देखिए ये वाईफाई मॉड्यूल में। ऐसा वीडियो आप YouTube में ज्यादा नहीं देखेंगे दोस्तों, यहां पर जाएंगे। होता है क्या, इस पॉइंट में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है, उसी का वजह से ये हमारा यहाँ पर वाईफाई मॉड्यूल का जो है इसमें सप्लाई कम हो जाएगा तो मेरा वाईफाई काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप ये तो गया, उसके बाद बैकलाइट ड्राइवर देखिए बैकलाइट में कितना वोल्टेज है 454, ये तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये जो बैकलाइट ड्राइवर आईसी है इसका सप्लाई लाइन है 12 वोल्ट, याद रखिए सप्लाई लाइन 12 वोल्ट है, लेकिन इसका जो वोल्टेज बूस्ट अप करेगा ये यहाँ पर कितना वोल्ट हुआ 25 वोल्ट, पहले तो 25 वोल्ट ही था, इसको बूस्ट अप करके यहाँ से बैकलाइट ऑन करेगा। ठीक है, तो जो मैं पहले बताया था जे इसको मैं आपको दिखाऊंगा, ये कॉइल में 12 वोल्ट जो इस आईसी में जो 12 वोल्ट इनपुट होता है और इस पॉइंट में जो 12 वोल्ट इनपुट होता है ये दोनों यहाँ से जाता है। अब देखेंगे, देखिए मैं इसको स्विच ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया और बाजार में दिया, आप देखते रहिए, देखिए ये 12 वोल्ट यहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पर होगा, इधर नहीं, देखिए आ रहा है ना दोस्तों मीटर में, देखिए ना बाजार बज रहा है, तो इधर नहीं होता है, ये दूसरे जगह से आ रहा है, लेकिन यहां से यह आ रहा है और इसी वोल्टेज यहां पर भी जाएंगे, देखिए देखिए जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा वीडियो मैं बनाते रहूँगा, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा मिलेंगे तो आपको बहुत काम में आएगा। बहुत सारे यूनिवर्सल बोर्ड में ये बोर्ड का पार्ट नंबर यूज़ किया है, आप देख लीजिए सीट भी 338H-A42। तो दोस्तों आप यहाँ पर शॉप कर रहे हो, ओके ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।